हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल जीन वर्ल्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जेनेटिक्स जेनेटिक्स इन दैट वी विल लर्न अबाउट द मेन्ंडिलियन इनहेरिटेंस सो इस चैप्टर में जो है हम वन बाय वन जेनेटिक्स की टर्म जो है एंड मेन्डिलियन इनहेरिटेंस जो है ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे ओके सो स्टे ट्यून विथ मी एंड लेट स्टार्ट द लेक्चर ओके सो वी हैव टू जस्ट दिस इज़ लाइक इंडेस ओके सो हम इस वीडियो uh, में क्या देखेंगे तो लाइक uh, जेनेटिक्स like, है ओके देन वेरिएशन है मतलब जेनेटिक्स जो है हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन जेनेटिक्स में मेन्टिली इन इनहेरिटेंस हमें पढ़ना है तो वॉट इज मीन बाय जेनेटिक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म जेनेटिक्स एंड देन आफ्टर वी टर्न टूवर्ड्स द वेरिएशंस एंड देन हेरिडिटी ओके so we uh, we will understand uh, what is heredity and then who was Mendel so यहाँ pe जो है वो मतलब हम genetics अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने मतलब एक इमेज तैयार हो जाती है कि जेनेटिक्स जो है उसके बाद में ही Mendel का हमें मतलब इमेज दिख रहा होता है क्लियर हो जाता है कि हाँ यही ये, ये मतलब एक ग्रेट पर्सनालिटी है जिन्होंने मतलब जेनेटिक्स की स्टडी की हुई है जिन्होंने इन्होंने मतलब जो जीन है अभी तो हम जीन कहते हैं ठीक है अभी तो हम जीन कहते हैं जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए डीएनए का जो है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है उसे हम जीन कहते हैं लेकिन जब मेंडेल ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे किया था ऑन पी प्लांट ओके मेंडेल ने मेंडेल uh, ने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन पी प्लांट उसे हम इन साइंटिफिक लैंग्वेज गार्डन पी सॉरी पिसम सैटाइम भी बोलता है ओके okay? पिसम टाइम हम बोलते हैं हम गार्डन पी को और पी प्लांट को तो जब मेंडेल ने वर्क किया था तब जीन ये टर्म मतलब डिस्कवर ही नहीं हुई थी तो उस टाइम फिर उन्होंने क्या किया था मतलब मेंडेल ने वर्क पे प्लांट पे किया था और उन्होंने मतलब हमें बताया था कि कुछ तो ऐसा ट्रांसमिट होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो कि उससे थोड़ा आइडेंटिकल होता है मतलब हम कहते हैं ना कि जो कैट होते हैं ठीक है जो कैट होते हैं दे कैन प्रोड्यूस किटन्स ओके कैट ओनली प्रोड्यूस किटन्स इज दे आर प्रोड्यूस डॉग्स और पपीज नो कैट ऑलवेज प्रोड्यूस एज किटन्स एंड डॉग ऑलवेज प्रोड्यूस एस पपी सो ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन ओके बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ समथिंग दैट दैट मेन कॉल्ड एज अ फैक्टर ओके दैट टाइम ही कॉल्ड एज अ फैक्टर एंड नाउ वी आर कॉल्ड फैक्टर एज़ वेल एज जीन ओके नाउ वी आर यूज टू जीन सो देन हु वॉज़ मेंडल एंड हिज वर्क हमें मेंडल का पूरा जो हिस्ट्री है वो सब मतलब निकालना है मेंडल कौन था और मतलब उन्होंने किस पर वर्क किया था एंड उसका वर्क कैसा था एक्सपेरिमेंट कैसा था उसने क्या क्या किया है सब हम इस जो वीडियो है लेक्चर है उसमें हम जानेंगे देन मेंडेलियन इनहेरिटेंस मतलब मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट को ही हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं इनहेरिटेंस क्यों कहता है बिकॉज उन्होंने स्टडी की थी किस पे ट्रांसमिशन मतलब जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग उसको ही हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस अब हम बोलते हैं ना कि ये हमारे इसमें इनहेरिटेड कैरेक्टर है इनहेरिटेड कैरेक्टर मीन्स क्या होता है क्या होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर मीस इनहेरिटेड कैरेक्टर मीज़ जो भी हमारे फादर मदर से हमें ट्रांसफर होता है ठीक है उससे हम क्या कहते हैं इनहेरिटेड जब ऐसा होता है ना कि किसी को अगर डायबिटीज़ वगैरह हो गई तो हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है हमें कि हम आपके फैमिली में आ, ऐसा कोई है क्या कि जिससे डायबिटीज है मतलब हमारे वो जेनेटिक हिस्ट्री जानते हैं क्यों जानते हैं क्योंकि अगर हमारे फैमिली में ऐसा कोई बंदा है जिसको डायबिटीज़ हुई है तो ये हमारा जेनेटिक डीज़ होगा जेनेटिक डिसीज़ यानी हमारे जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में जीन के फॉर्म में क्योंकि हम, हम हम हमें जो है पेरेंट्स से हमारे हाफ क्रोमोजोम मिलते हैं हाफ क्रोमोजोम पेरेंट्स से मतलब हाफ क्रोमोजोम मदर से हाफ क्रोमोजोम फादर से ऐसे मिलते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं ठीक है थीके? तो ये हम पूरा जो है वो कवर करेंगे देन अब हम मेन टॉपिक्स पे आते हैं ओके सो जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन सो दिस टर्म कॉइन बाई विलियम बैटसन इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्स ओके ये जो है ईयर ईयर आप ध्यान पे ध्यान में रखिएगा ये साल जो है ध्यान में रखिएगा मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब मिंडेल ने उसका एक्सपेरिमेंट किया था तो उस टाइम उसको ये जीन टर्म मालूम नहीं थी ठीक है जीन मालूम नहीं था म्योसिस माइटोसिस सेल डिविजन्स वगैरह कुछ भी मालूम नहीं था क्रोमोजोम्स मालूम नहीं था तब डिस्कवरी हुआ ही नहीं था ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी लेकिन उस टाइम उन्होंने क्या कहा था इस जीन को एक फैक्टर मतलब फैक्टर से पुकारा था फैक्टर से मतलब फैक्टर एक नाम दिया था मतलब जो कैरेक्टर uh, है जो पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन ट्रांसफर होते हैं वो उन्होंने फैक्टर नाम देके रखा था ठीक है तो जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायलोजन द डील्स हेरिडिटी एंड वेरिएशंस एंड दिस टर्म कॉइन बाय विलियम बैक्सन इन नाइनटीन ओके देन वॉट इज़ मीन बाई हेरिडिटी ओके जेनेटिक्स पढ़ते समय ये सारी जो टर्म मैं यहाँ पे मतलब आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे और आपको पता ही नहीं है हेरिडिटी क्या है वेरिएशन्स क्या है तो मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसलिए ये जो टर्म है आपको ध्यान में मतलब रखना है आ, समझ के रखना है कि क्या हेरिडिटी है क्या वेरिएशंस है इनहेरिटेंस किस बोलता है ओके सो हेरिडिटी क्या है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ओके मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर अब हमें पता है कि कौन से कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वो है जीन ठीक है जीन ट्रांसफ़र होते हैं एंड नेक्स्ट मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर हो जाता है तो इसको हम हेरिडिटी कहते हैं हेरिडिटी मीन्स इसको हम इन सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं अनुवंशिकता ओके okay? अनुवंशिकता हम इसको बोल सकते हैं हम मतलब आप देख सकते हो कि हम जो है मतलब एग्जैक्टली exactly हम अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं है लेकिन आइडेंटिकल होता है मतलब जैसे हम स्पीसी स्पेसिफिक uh, है तो हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं कोई तो अपने मतलब ग्रैंड uh, पेरेंट्स के uh, जैसे दिखता है तो ये जो है सिमिलरिटीज़ है ओके okay, सिमिलरिटीज है मतलब जैसे हाथ पाँव कान वगैरह सब जो हमारे पार्ट्स है ऑर्गन्स है वो सारे आइडेंटिकल होते हैं हमारे पेरेंट्स से ऐसा होता है कि हमारे अगर मदर uh, के जो हेयर्स है वो ब्लैक है देन हमारे भी ब्लैक्स हो जाते हैं बिकॉज उनका जीन में ट्रांसफ़र हुआ है ना उसका जीन हम मतलब मम्मी का जो जीन है हमें ट्रा, में ट्रांसफर होना होता है हुआ है इसलिए हमारे भी हेयर्स जो है वो ब्लैक है तो ये क्यों हुआ है बिकॉज ऑफ दिस हेरिडिटी और हेरिडिटी क्या है फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ओके क्लियर हुआ तो ये वाला जो है वेरिएशंस Variations means what? It is a difference between the parent and offspring. It play important role in evaluation of the new species. स्पीसीज अगर अब हमने आ, ये हमने ये देखा है कि हेरिडिटी क्या है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ओके तो ऐसा होता है कि आ, हम जो है हम एक्जैक्टली हंड्रेड परसेंट आइडेंटिकल होते हैं हमारे पेरेंट्स से येस और नो नो हम 100% परसेंट पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते क्योंकि मदर से हमें 50% परसेंट जीन आता है और फादर uh, से हमें 50% परसेंट जीण आता है ये दोनों का मिलकर हम मतलब जनरेट होता है प्रोड्यूस होता है तो हम उस दोनों से ही ज्यादा मतलब एग्जैक्टली exactly आइडेंटिकल नहीं रहते हैं वेरिएशंस तो रहता है ना कुछ तो कुछ ठीक है वेरिएशन तो रहता है तो इस मतलब डिफरेंस को डिफरेंट मतलब डिफरेंस जो है हमारे और हमारे पेरेंट्स में इसी को हम वेरिएशन कहते हैं और ये वेरिएशन जो है वो होना चाहिए मतलब वेरिएशन मस्ट है क्योंकि आप देख सकते हो कि मतलब इन्वामेंट के आ, मतलब अकॉर्डिंग हमें जो है वो वेरिएशन करना चाहिए अडेप्टेसन करना चाहिए आपको एक एग्ज़ाम्पल याद होगा कि डायनासॉर्स है डायनासॉर्स जो है उन्होंने नेचर के साथ इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट किया उसका जो है वो इवॉल्व नहीं हुए है इसलिए मतलब वो क्या हुए कि डिस्ट्रॉय हुए सब जो स्पीसीज है उसकी डिस्ट्रॉय हो गए इसीलिए वेरिएशन जरूरी है बिकॉज ऑफ टू सरवाइव इन इन्वायरमेंट ओके सो इसीलिए इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज ओके तो ये सारी टर्म हमें मतलब क्लियर हो गई या इज इट क्लियर ओके सो दिस वॉज द ग्रेट मैन ओके दिस वॉज द ग्रेट पर्सनैलिटी ग्रेगर जॉन मिंडेल जेनेटिक्स जो है मतलब ये हम इसे बोल सकते हैं बोलते हैं मतलब ही ऑज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब अब क्या ही बोले कि मेंडेल जो है मतलब मेंडेल अगर नहीं होता तो इनके सिवा हम जेनेटिक्स मतलब आ, पता नहीं सोच सकते या नहीं सोच सकते बिकॉज दिस इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स ओके सो so, हम इनकी हिस्ट्री देखते हैं अब कि जेनेटिक्स जो है हमारे जो फादर है जेनेटिक्स के कि वो मतलब कब बॉर्न हुए थे कब मतलब उनका डेथ uh, हुआ था और बीच में जो है वो सारा ड्यूरेशन उन्होंने क्या क्या किया था वो कौन थे उसका बैकग्राउंड क्या था ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे सो द ग्रेट ग्रेगर जॉन मेंडल ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही वॉज़ बॉर्न ऑन ट्वेंटी जुलाई इन 1822 ओके एटीन हंड्रेड में ट्वेंटी जुलाई यहाँ पे इनका जो है वो जन्म हुआ था एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब उनका जो है मतलब वो वैसे पुअर फैमिली में ही बॉर्न हुए थे Uh, ज़्यादा कुछ मतलब फैमिली जो है विलेज पे ही विलेज में ही रहते थे एंड uh, मतलब आफ, मतलब उन्होंने ऐसी ही मतलब जो भी सिचुएशन uh, थी उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन ही ज्वाइन द ऑगस्टियन मोनेस्ट्री एट ब्रून एज अ प्रिस्ट मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन वो क्या हुए कि uh, मतलब प्रिस्ट uh, आपको पता है मतलब मॉन्क टाइप uh, हमें मतलब uh, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है सन्नास वगैरह लेता है तो एज अ प्रिस्ट वो वहाँ पे ज्वाइन हो गए आफ्टर ग्रेजुएशन देन ही वेंट टू वी फॉर हायर स्टडीज़ ओके मतलब उनका जो स्टडीज़ था उनका जो एजुकेशन था वो तो चालू ही था एज अ प्रेस्ट तो ही वेंट टू वी फॉर हायर स्टडीज़ इन फिजिक्स मैथ एंड नेचुरल साइंसेस ओके देन इन एटीन हंड्रेड एंड फाइव स्टार्ट वर्क ऑन गार्डन पी मतलब इन्होंने क्या किया था वो प्रिस्त थे तो रहता ना कि चर्च के मतलब बैक मतलब बैकर्ड में मतलब जो भी बैक साइड थी चर्च के उसमें मतलब उन, उनको उनके पास ज़मीन वगैरह थी थोड़ी फा थोड़ी बहुत तो Uh, जो है उन्होंने uh, उसको यूटिलाइज़ किया तो उन्होंने क्या किया गार्डन पी प्लांट यूज़ किया है मतलब हम यही देखेंगे कि uh, मेंडेल ने जो है गार्डन पी प्लांट ही क्यों मतलब यूज़ किया था पिसम सटाइवम ही क्यों यूज़ किया था वाई वाई ही सॉरी वाई ही वाई ही चूज ओनली पी पी प्लांट सो इसका रीज़न भी है हमारे पास हम नेक्स्ट uh, हम अब जब आगे जाएंगे कि वो भी हम देखेंगे कि क्यों मेंडेल ने पी प्लांट ही यूज़ किया था तो अभी के लिए जो है हम देखेंगे कि उन्होंने मतलब अठारह में उन्होंने गार्डन पी पे जो है वो वर्क स्टार्ट किया था देन इन 1865 ही प्रेजेंटेड हिज वर्क एज एक्सपेरिमेंट इन हाइब्रिडाइजेशन ओके एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन Uh, जो है 1865 में मतलब उन्होंने पूरा जो है एक्सपेरिमेंट किया एंड उस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने दिया एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ओके एंड इन 1866 हिज वर्क पब्लिश इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उन्होंने उनका वर्क भी जो है वो पब्लिश कर लिया एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनरल में ओके देन ये जो मतलब आप आ, जो साल में बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आप ये ध्यान में रखिएगा मतलब एम वगैरह जो है वो आ जाते हैं इन एटीन एटी ही ओके मेंडल की 1884 में डेथ हो गई ओके बट स्टिल हिज वर्क वाज ऑन उनका जो वर्क था ठीक है उनका जो वर्क था वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था बट ही वाज ऑन एंड ही वाज डेड एज अ प्रिस्ट एज अ मॉन्ग बट अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेटली ही डिजेंट ही डिजेंट रिकोगग्नाइज एज अ साइंटिस्ट ओके सो अब जो है उनका वर्क जो है मतलब इतना सारा जो वर्क किया था uh, मंडल ने वो तो अनरिकोगग्नाइज uh, हो गया मतलब एज अ साइंटिस्ट उनको कोई मतलब uh, पहचान ही नहीं सका उनका जो वर्क है वो, वो किसी ने रिकोगनाइज ही नहीं किया और एज अ प्रेस्ट उनकी डेथ हो गई ओके नॉट नॉट साइंटिस्ट ओके नॉट एज अ साइंटिस्ट ओनली प्रेस्ट ओनली मॉन्क सो uh, so, अब क्या होगा मतलब uh, हम ये भी देखेंगे कि मेंडल uh, ने इतना इम्पोर्टेंट वर्क किया था गार्डन पी प्लांट में तो ये जो वर्क है वो रिकोगनाइज़ क्यों नहीं हुआ मतलब उसके उसके uh, रीज़न क्या थे मेंडल ने जो वर्क अपना किया था तो वो रिकोगनाइज uh, नहीं हुआ बाय अदर साइंटिस्ट और एनीवेयर सो क्योंकि uh, हम इसके रीज़न भी आगे पढ़ेंगे ठीक है तो so, अब क्या हुआ कि 1884 में तो डेथ हो गई मेंडल की देन इन 1900 हंड्रेड फाइंडिंग वेयर री डिस्कवर्ड बाई थ्री साइंटिस्ट अब देखो अब ट्विस्ट आ गया ठीक है मेंडल की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है आप ध्यान में रखो कि ये एज अ स्टडी और ये प्रेशर के साथ आप मत लो ठीक है जेनेटिक्स जो है बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इससे मतलब खुल मिल जाओ अगर आप इसमें मतलब इंटरेस्ट लाओ ठीक है आप आपको आप अब आप इंटरेस्ट आ रहा होगा कि मेंडल जो है मतलब आ, कितना इन्होंने वर्क किया था ठीक है उनकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग थी और इतना वर्क करने के बावजूद भी उनको मतलब ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और वो उसकी डेथ हो गई अब डेथ हो गई तो हम क्या सोचेंगे कि स्टोरी खालास्ट ठीक है कुछ फ़ायदा नहीं उनका वर्क का वगैरह लेकिन ऐसा नहीं रहता उनके जो आ, पब्लिश पेपर थे ठीक है उनके जो वर्क पेपर थे एक्सपेरिमेंट के पेपर थे तो वो तो मतलब रहते ही हुए तो इन uh, 1900 uh, उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो डिस्कवर्ड की थी बाय थ्री साइंटिस्ट तो ये जो बंद है मतलब इन्होंने जो है नो, uh, uh, जो मेंडल का वर्क है वो फिर से रिडिस्कवर्ड किया and ये जो तीन थे वो पहला जो था डी राइस फ्रॉम हॉलैंड देन कार्स कॉरेंस फॉर जर्मनी एंड देन इरिक शर्मा फॉर ऑस्ट्रिया ओके रिक्श शर्मा फॉर ऑस्ट्रिया सो इन नाइनटीन हंड्रेड एंड वन दी व्राइज पब्लिश मंडेल्स पेपर इन फ्लोरा देन इन्होंने उन्नीस सौ एक में क्या किया जो भी मेंडिल का वर्क था वो रिपब्लिश किया इन फ्लोरा ओके फ्लोरा में पब्लिश किया इनका वर्क देन अब हम देखेंगे आपको मतलब इतना तो क्लियर हो गया ठीक है कि मेंडेल जो है उनका पूरा जो हिस्ट्री है इन शॉर्ट मैंने आपको सब बता दिया है ठीक है एंड कुछ टर्म्स भी हमने देखे हैं इत, इतना तो आपको क्लियर हुआ हो गया ठीक है सो अब हम देखेंगे वाई मेंडेल सिलेक्टेड पी प्लांट आपको समझ में आ रही है स्टोरी आप लिंक करके जाओ आप लिंक लिंक करते जाओ हम जेनेक्स जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं एंड विदाउट मेंडेल हम आगे नहीं जा सकते इसीलिए हमने मेंडेल का पूरा हिस्ट्री देख लिया डेथ बर्थ सब देख लिया देन अब हम मतलब हमारा जो पहला मेन यहाँ पे डिस्कशन का टॉपिक होगा पढ़ने का टॉपिक होगा कि मेंडिल ने गार्डन पी प्लांट पर वर्क किया था तो बाकी सारे तो प्लांट थे ना वहाँ पर उन्होंने गार्डन पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया था है कि नहीं अब मतलब क्वेश्चन आना तो ऑब्वियस है ना कि बाकी सारे फ्लावर्स के प्लांट हैं बाकी सारी चीज़ें हैं तो इन्होंने यही प्लान क्यों चूज़ किया था तो इसका रीज़न जो है अब हम यहाँ पे देखेंगे वाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट और इन साइंटिफिक लैंग्वेज वी कॉल्ड एज अ पी सम ही चूज बिकॉज ऑफ इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल ओके सो गार्डन पी इज एन एनुअल प्लांट एंड एंड इट कम्प्लीट द लाइफ साइकिल विद इन थ्री टू फोर मंथ्स ओके okay, अब समझ में आया कि ये क्यों लिया है क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है एक साल में मतलब थ्री या फोर मंथ्स में मतलब ये आ जाता है थ्री या फोर मंथ में आ जाते हैं तो हम साल में तीन तीन बार तो हम ले ही सकते हैं ये ठीक है देन स्मॉल हर्बिकस प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स ओके हर बैकस प्लांट्स प्रोड्यूस मेनी सीड्स अब आप देखेंगे कि एक पी है एक पीज है देन हम इसको अगर लगाएंगे हम इसको मतलब मिट्टी में सॉइल में लगाएंगे तो इससे हमें बहुत सारे आ, पीज मिलेंगे ठीक है तो इट्स प्रोड्यूस मेनी सीड्स ये है रीजन इसका देन सेल्फ पॉलिनेटिंग अब इसका जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ठीक है देन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हाँ और ये वाला बहुत मेन है मतलब सीड मेनी सीड्स है देन शॉर्ट लाइफ साइकिल है एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स व्हाट अब इसमें क्या होता है कि मेंडल ने जो है वो सेवन कैरेक्टर यहाँ पे लिए हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या है कि स्टेम हाइट है स्टेम हाइट है वो मतलब टॉल होती है डॉफ होती है ठीक है इसमें टॉल या डॉफ ये दो है स्टेम हाइट में देन सीड कलर है जो सीड कलर होता है पीस का उसमें भी दो दो वेरिएशन है जैसे कि येलो है ग्रीन है एक येलो एक ग्रीन देन सीड शेप होता है जिसका राउंड है रिंकल्ड है नॉर्मल जो है उसको हम राउंड कहते हैं मतलब जनरली हमें पीस जो है वो राउंड ही मिलता है ठीक है लेकिन और कोई तो ऐसे मतलब पीस हमें देखने को मिलते हैं जो रिंकल टाइप होते हैं ठीक है वो मतलब जो है रेयर है लेकिन मिलते तो है राउंड एंड रिंकल ये सीड शेप है देन पॉड कलर है ग्रीन येलो तो ये सारे जो ये सारे जो कैरेक्टर है ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने ऑब्जर्व किए हैं एंड देन ही चूज दी पी प्लांट सो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें जो है उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए इजी हो जाते हैं मतलब मेंडल ने जो है ऐसा नहीं कि एक एक पे प्लांट लगाया देन उस पर ही स्टडी की ऐसा नहीं मतलब उन्होंने बहुत बार हज़ारों बार जो है पेज लगाए उस पर एक्सपेरिमेंट किया और मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है एंड uh, मेंडल uh, जो थे वो मैथमेटिशियन थे ओके ही वाज नॉट एज अ बायोलॉजिस्ट ओके ही वाज एन मैथमेटिशियन तो uh, मतलब मैं तो आपको बाद में बताऊंगी ही लेकिन ये मैथमेटिशियन की वजह ही एक मतलब एक वजह थी कि उनका जो वर्क uh, है वो अनरेकग्नाइज रहा क्योंकि मतलब uh, उन्होंने जो है बहुत सारे रिशोज़ वग़ैरह इसमें जो है उनका वर्क पब्लिश uh, किया था तो इसीलिए मतलब ज़्यादा उनका वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ये वाला बात आपको समझ में आ गई कि वाई मेंडेल सिलेक्टेड पी प्लांट ओके सो देन ओके लुक एट दिस मेंडल सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स ओके okay? दिस आर द मेंडल सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंडल ने क्यूब पी प्लांट चूज किया यहाँ पे देखो ये सीड है इसमें फॉर्म कॉटिलिडॉन्स ग्रे राउंड ग्रे येलो देन राउंड येलो मतलब आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसा ये है ये राउंड है. है ये रिंकल है देन ये येलो है ये ग्रीन है ये वाइट है ये वॉलेट है देन फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड येलो ग्रीन एक्जियल पॉड मतलब स्टेम की जो हाइट होती है ठीक है वो लॉन्ग है वो शॉर्ट है देन जो फ्लावर्स होता है ठीक है मतलब पी पीज में अगर फ्लावर्स आते हैं तो उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे होती है प्लेस कहाँ पे होता है एक एक्जियल पॉड्स है ठीक है एक टर्मिनल पॉड से मतलब एक्ज जो है वो बीच में कहीं तो भी फ्लावर्स आते हैं देन टर्मिनल पॉड से फ्लावर जो है वो सिर्फ टॉप पे आता है तो ये सारी जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है कैरेक्टर थे तो इसीलिए लिए मेंडल ने पी प्लांट जो है वो चूज़ किया था आई होप कि आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेंडल का जो वर्क है वो कैसे किया उन्होंने और वो जो है वो अनरिकोगनाइज क्यों रहे वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड हिज अनरिकनेशन ओके सो थैंक यू फॉर दैट